फेशियल बोन इसमें पढ़ा था हमने, फेशियल बोन होती हैं 14 और 8 कितनी होगी 22। ठीक है, तो अब हम हमारे जो बोल सकते हैं स्कल होता है, स्कल में हमारे ईयर ओसिकल्स भी होती हैं, जो हमने पढ़ा था अभी सेंसिस ऑर्गन में एक ईयर होता है, ईयर में हमारी 3 बोन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उसे हम बोल सकते हैं ईयर ओसिकल्स। जहाँ पर भी ईयर बोन की बात आती है 3 बोन की, तो उसको हम बोलते हैं ईयर ओसिकल्स। ठीक है, ईयर ओसिकल्स में कौन कौन सी बोन आती है, मेलस, इनकस और स्टपीज, 3 बोन होती हैं। तो दोनों कानों में या दोनों ईयर्स में कितनी हो गई, 6 बोन हो गई। ठीक है, समझ में आया। ईयर ओसिकल्स बोलते हैं दोनों ईयर्स की जो हमारी बोन होती हैं, मेलस, इनकस और स्टपीज। उसके बाद आता है एक हमारा हायोड बोन। ये होता है हमारा, जैसे कि हमने पढ़ा था, एक हमारा क्या होता है, लैरिंग्स होता है। ठीक है, लैरिंग्स पढ़ा था। लैरिंग्स में हमारा एक यू शेप का यहाँ पर बोन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बोन होता है जिसको हम बोलते हैं हायोड बोन। समझ में एक पीडीएफ भी दे दूँगा मैं डायग्राम की, उसमें देख लेना हायोड बोन कौन सी होती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं अब क्रेनियल बोन के बारे में, क्रेनियल बोन होती कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो फर्स्टली क्रेनियल बोन आप डायग्राम से भी पढ़ सकते हो, या मैं लिख के मेंशन कर दूंगा उससे ही पढ़ सकते हो। ठीक है, बट इसका एक मेथड होता है याद करने का, या बोल सकते हैं लॉन्ग समय तक आप इसको याद कर सको। ठीक है, तो आप सभी बोल सकते हैं कोई भी अपने फ़ोन को सेफ रखने के लिए एक पासवर्ड लगाते हैं। ठीक है, किसी भी फ़ोन को सेव करने के लिए क्या करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, तो उससे याद रखना है ये ओ टी पी सेफ, एस ए एफ ई होता है सेफ, तो इसमें हम कर देंगे सेफ, एस ई एफ सेफ। ठीक है, तो इससे हमें याद रखना है कि जो क्रेनियल बोन होती हैं उसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है क्रेनियल बोन को याद करने की, ओ टी पी सेफ। तो अब इससे फर्स्टली जो बोन होगी वो होगी हमारी ओसिपिटल। कौन सी बोन, ओसिपिटल। सेकेंड होगी हमारी टेम्पोरल, थर्ड होगी हमारी पी से पैराइटल, और एस से होगी हमारी स्फेनॉइड बोन, और ई से होगी हमारी एथमॉइड बोन, और एफ से होगी हमारी फ्रंटल बोन। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्रेनियल बोन होती है हमारी 8। कितनी होती हैं, 8। फर्स्टली हमने बताया, एक ट्रिक बताई ओटीपी, क्या बताई है, ओटीपी सेफ। ओटीपी को क्या करना है, हमें सेफ रखना है अपना जो पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, ये मीनिंग होता है इसका ओटीपी का। तो उस ओटीपी को हमें क्या करना है, सेफ करके रखना है। ठीक है, तो उसकी ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, इस बोन को याद कर सकते हैं। तो ओ से क्या होता है, ओसिपिटल आता है, ओ टी से क्या आता है, टेम्पोरल आता है, और पी से क्या आता है, पैराइटल आता है, और एस से क्या आता है, स्फेनॉइड, और ई से एथमॉइड, और एफ से क्या आता है, फ्रंटल। एक डायग्राम की पीडीएफ है, उसमें देख लेना कहाँ कहाँ पर ये होता है। तो फर्स्टली फ्रंटल बोन से आप याद कर सकते हो, जैसे कि हमने डायग्राम बनाया है, ये हमारा क्या है, स्कल का डायग्राम है, स्कल में हमारा जो क्रेनियल है। तो फ्रंटल में हम पढ़ सकते हैं जो फ्रंट की तरफ होता है ये फ्रंट, तो इस बोल सकते हैं फ्रंट में हमारी होंगी फ्रंटल बोन। ठीक है, और बैक पार्ट में होती है हमारी ओसिपिटल बोन, और बोल सकते हैं हमारी जो ईयर्स के साइड्स में होती हैं, इसमें होती है हमारी कौन सी बोन, टेम्पोरल बोन, और जो हमारी साइड्स में होती हैं यहाँ पर दोनों तरफ, इसमें होती है हमारी पैराइटल बोन। ठीक है, और जो हमारी बोल सकते हैं यहाँ पर आइज की साइड्स में होती हैं, इसको बोलते हैं हम एथमॉइड, और इसके जो बैक में होंगी इसमें होगी हमारी स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो हम इसे डायग्राम के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं हम फेशियल बोन। ये क्रेनियल बोन समझ में आई, 8 बोन होती हैं, तो 8 कौन कौन सी होती हैं, ये नंबरिंग नहीं बताई अभी, तो इसे नंबरिंग भी याद कर सकते हैं
कि 122 और 111, ठीक है, याद हो गई। 1 2 3 3 2 5 6 7 और 8, 122 111। ओटीपी सेफ 122 111, ये होगी क्रेनियल बोन, याद होगी। ओटीपी सेफ, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, स्पेनोइड, एथमोइड और लास्ट है फ्रंटल, 122 111। 8 बोन होगी, ये होगी हमारी क्रेनियल बोन, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी फेशियल बोन की, जो हमारे फेस होता है। फेशियल बोन कितनी बोन होती हैं? 14th बोन होती हैं, 14 बोन होती हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हमारा एक इसका भी ट्रिक होता है, ठीक है, एक बोल सकते हैं नॉर्मली सा, जैसे कि आप लोग पता होगा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक ट्रिक है इसमें, एमपी ने ज़्यादा कोला मंगाए और वोमिट हो गई, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वोमिट, ठीक है। ये एक इसकी ट्रिक है जो हमारी फेशियल बोन होती है इसको याद करने की, ठीक है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, या बोल सकते हैं जैसे लिखा हुआ है उसके थ्रू याद कर सकते हो, बोल सकते हैं एक पीडीएफ सेंड की है डायग्राम की, उसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो फर्स्टली एमपी ने ज़्यादा कोला मंगाया, ठीक है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, एमपी ने ज़्यादा कोला मंगाया और क्या हो गया, वोमिट हो गया, ठीक है। ट्रिक भी सही है याद करने की, आप इसमें वरना कन्फ्यूज हो जाओगे तो कि मैगजिला होती है, नेसल होती है। तो फर्स्टली हम जान लेते हैं एम मीन्स क्या होता है। एम मीन्स होता है मैगजिला, मैगजिला बोन होती है एक, ठीक है। उसके बाद पी मीन्स होता है एक हमारा पैलेटाइन, क्या होता है, पैलेटाइन। उसके बाद आती है हमारी एक नेसल, एन ए से नेसल, एंड जेड बाई, ठीक है, ज़्यादा था ना तो इसमें हम लेंगे ज़्यादा, जेड बाई जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। उसके बाद है हमारा को, कोस आ जाएगा हमारा कौनचाई, कौनचाई, जैसे बोलते हैं नेसल इन्फीरियर कौनचाई, इसका हमारा दूसरा नाम भी है नेजल इन्फीरियर नेजल कौनचाई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एल ए, एल ए से आ जाएगा हमारा लैक्रिमल, और उसके बाद है हमारा एम ए से, तो एम ए से आ जाएगा हमारा मैंजिवल, और बी ओ से आ जाएगा हमारी वोमन वोन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, वोमर और मैंडिवल को एक एक बोन होती है, उसके बाद जितनी भी बोन होती हैं वो दो दो होती हैं, ये याद रखना है बस, ठीक है। वोमर और मैंडिवल हमारी फेस की एक एक बोन होती है, उसके बाद जितनी भी बोन होगी हमारी वो दो दो होती हैं, ठीक है। तो फेशियल बोन होती है हमारी 14 में फर्स्टली होती है हमारी मैगजिला, प्लेटाइन, नेजल, जाइगोमैटिक, इन्फीरियर नेजल कौनचाई, लैक्रिमल, मैंडिवल और बूमर, ठीक है। मैंडिवल बूमर एक ही को होती है, उसके बाद हमारी दो दो बोन होती है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताइए, एमपी ने ज़्यादा कोला मंगाई और उससे क्या हो गया, वोमिट हो गई, ठीक है। जब ज़्यादा कोला खा लेगा तो उसको क्या हो गया, वोमिट हो गया। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, तो फर्स्टली हमने क्या क्या स्टडी करी है, एक्सियल स्केलेटल में स्कल पढ़ा है, स्कल में हमने बताया 22 बोन्स होती हैं, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। स्टर्नम होता है एक, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, और रिब्स होती है हमारी जो बोल सकते हैं लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट कराती है, उसे हम रिब्स बोलते हैं।
ठीक है। तो इसमें हमने फर्स्टली पढ़ा है स्कल में हमारा क्रेनियल बोन और हमारी फेशियल बोन आती है, ये होती है हमारी 22 बोन्स, ठीक है। तो स्कल क्रेनियल बोन में हमारी होती हैं 8 बोन, तो फर्स्टली ओसिपिटल, सेकंड टेम्पोरल, थर्ड पैराइटल, स्पेनोइड, एथमोइड और फ्रंटल, 122 और 111। उसके बाद आता है हमारा फेशियल बोन, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेसल, जाइगोमेटिक, इन्फीरियर नेसल कॉन्चाई, लैक्रिमल, मैंडिबल और पूमर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारी वर्टिब्रल वर्टिब्राई से मिलकर बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बनी होती है, ये होती है हमारी नियब अराव बोल सकते हैं, 26 होती है, वैसे ये 33 होती है, बट इसमें हमारी कुछ बोन रिफ्यूज हो जाती हैं, जैसे कि फर्स्टली हमारी सर्वाइकल होते हैं, थोरेसिक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नर्वस सिस्टम में और हम और कहीं भी पढ़े हैं शायद, थोरेसिक, लंबर वर्टिब्रा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सैक्रल और कोक्सियल, ठीक है। सर्वाइकल कितनी होती हैं, 7, थोरेसिक 12 और लंबर 5, ये होती हैं सैक्रल हमारी 5 होती हैं पर 4 रिफ्यूज आती है, एक बचती है। उसके बाद कोक्सियल भी हमारी 1 होती है पर 4 हमारी क्या हो जाती है, रिफ्यूज आती हैं। 7, 12 कितने हुए, 19, 20, 5, 25 और 1, 26, 26 बोन हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है। एक हमारा बताया स्टर्नम होता है, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, हमने बताया ये हमारी चेस्ट बोन है, इससे हमारे बोल सकते हैं बैक से हमारे वर्टिब्रल कॉलम से और हमारे आगे स्टर्नम से हमारी रिब्स जॉइंट होती हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। उसके बाद हमारी आता है रिब्स, रिब्स अभी बताया बैक हमारा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है ऐसे आगे की तरफ को, और आगे की तरफ एंटीरियरली हमारा स्टर्नम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो रिब्स हमारी 3 टाइप से पढ़ते हैं हम इसे, फर्स्ट टाइप होता है इसमें ट्रू रिब्स, सेकेंड होता है हमारा फॉल्स रिब्स एंड थर्ड होता है हमारा फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं ट्रू रिब्स क्या होता है, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है। तो ट्रू रिब्स मीन्स होता है जो हमारी जैसे हमने पढ़ा ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है और इसके एंटीरियरली पार्ट में हमारी ये एंटीरियरली पार्ट है स्टर्नम, तो इससे जुड़ी होगी हमारी ये ट्रू रिब्स, जो बोल सकते हैं हमारे बैक से वर्टिब्रल कॉलम से और स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उसको बोलेंगे हम ट्रू रिब्स। तो इसमें हमारी 7 पेयर्स जुड़े होते हैं, जॉइंट होते हैं 7 पेयर्स, और फॉल्स रिब्स वो होती हैं जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम से तो जॉइंट होती हैं बट स्टर्नम से जॉइंट नहीं होती हैं, वो हमारी इस टाइप से हमारी जो 7 रिब्स है ये इस 7 रिब्स से ही जुड़ी होती हैं ऐसे, 8th, 9th और 10th रिब्स ही हमारी इससे जुड़ी होती हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं फॉल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फॉल्स रिब्स, क्योंकि ये 7 रिब्स से जुड़ती हैं ना कि स्टर्नम से जुड़ती हैं। और एक हमारी आती है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स रिब्स बे रिब्स होती हैं जो हमारी फ्री रिब्स रहती हैं, मीन्स हमारी वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़ी होती हैं बट आगे किसी से वे जॉइंट नहीं होती हैं, वो हमारे क्या करती हैं फ्री होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, समझ में आया। 11th और 12th पेयर्स की जो रिब्स होती हैं उसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में।